अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां है शेफ फैसल तांजी सुपिया कुकिंग शो। उम्मीद है सब खैरियत से होंदा। मज़ेदार रेसिपीज हमेशा खणी ईंदा आहियूं। तमामु सुठी फरमाइशूं भी तव्हांजी पूरियूं कयूं पिया। गर्मियूं आहिनि त गर्मियुनि जे हिसाब सां बि खाधा ठाहियूं पिया। ऐं अंबड़ियुनि जो सीज़न हले पियो त अंबड़ियूं बि काफ़ी सारियूं सुठियूं आयूं आहिनि। हुनजी काफ़ी सारी चटणियूं आहिनि, मुरबा आहिनि। हुनजे अलावा हाणे खटाण बि, जीअं सख़्तु खखड़ियुनि वारी अंबड़ियूं अचणु शुरू थियूं आहिनि, हुनजी खटाण बि ठाहींदासीं। हुनजो जेको मुरबो ठहंदो उहो बि ठाहींदासीं। ऐं हुनजे अलावा शरबत ठहंदा आहिनि, तमामु बहितरीन ॿ टे क़िस्म जा शरबत ठाहिणु सेखारींदा। स्क्वैश जेको असां ठाहींदा आहियूं उहो पूरो 6 महीननि ताईं तव्हां हुनखे रखी सघो था फ्रिज में, उहो बि नेक्स्ट वीक तव्हांखे ठाहिणु सेखारियो। अॼु बि मज़ेदार रेसिपी ठाहियूं पिया। हिकु त हुई फरमाइश, जेको लास्ट वीक टेक्निकल प्रॉब्लम जी वजह खां लाइव न अची सघम जुमे वारे ॾींहुं, त उहो रेसिपी मां अॼु ठाहियां पियो। अॼु छा ठाहियूं पिया असां? ठाहियूं पिया नरगिसी कोफ़्ता। नरगिसी कोफ़्ता छा हूंदा आहिनि? बॉयल बेदा जेके हूंदा आहिनि हुनजे मथां कीमे जी कोटिंग थींदी आहे ऐं हुनजी भाॼी ठहंदी आहे। तमामु बहितरीन रेसिपी आहे। चटणी ठाहियूं पिया आहिनि जेके चवंदा आहिनि नौरतन चटणी, केरी की नौरतन चटणी, यानी अंबड़ियुनि जी चटणी ठहंदी। हिन में थोरा ड्राई फ्रूट्स पवंदा, खजूर विझबी, गुड़ सां गॾु बि ठाही सघो था, हुनखे तव्हां खंड सां गॾु बि ठाही सघो था। बहितरीन ॿई रेसिपीज़ आहिनि। चटणी अहिड़ी आहे की तव्हां हुनखे 3 ॾींहनि ताईं हलाए सघो था। सुबुह जो 9 बजे रिपीट हलंदो। स्क्रीन ते नंबर हले पियो, का बि फरमाइश करणी हुजे, कुझु बि पुछणो हुजे, कॉल करे पुछी सघो था। एनएक्स आहे असां सां गॾु। एनएक्स में आहे जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वग़ैरह। तव्हांजे साम्हूं चॉपर यूज़ कंदा आहियूं, शयूं यूज़ कंदा आहियूं, आसानी थी वेंदी आहे। कीमो पीसण वारी मशीन तमामु बहितरीन आहे, जंहिंमें कबाब, कोफ़्ता वग़ैरह हर शइ तव्हां पीसे सघो था। अॼु की जो रेसिपी बना रहे विंटर के हिसाब से बनाना सिखाई थी, फिर रमज़ान आया, रमज़ान में बहुत सारी आपको वैरायटी बनाना सिखाई। अब गर्मियाँ चल रही हैं, अब गर्मियों का सीज़न है और केरियों का मौसम है। केरियाँ बहुत अच्छी आई हुई हैं, केरियों की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं। डेली मैंने कहा था कि एक एक रेसिपी बनाते जाएंगे। आम का पन्ना है, स्क्वैश है, ये नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बनाएंगे। आज हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते फरमाइश थी, लास्ट वीक फ्राइडे को हम नहीं कर सके थे क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो इस वजह से फ्राइडे रिपीट चला था। तो फ्राइडे वाली जो रेसिपी मैंने बनानी थी, मैंने अनाउंस किया था, वो मैं आज बना रहा हूँ। आज बना रहा हूँ नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनते हैं बॉयल अंडों के साथ और कोटिंग करके बड़ा ज़बरदस्त कीमे में। आप बनाएंगी बीफ, मटन, चिकन, जो भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नरगिसी कोफ्ते के साथ हम बना रहे हैं, इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि केरी की ड्राई फ्रूट वाली चटनी बनाना सीखा, जिसमें खजूर वगैरह सब डलती, उसको कहते हैं नौरतन चटनी। केरी की नौरतन चटनी ये आप 6 महीने 1 साल तक भी बना के रख सकती हैं, लेकिन बनाते जाएं, खाते जाएं जब तक आपका दिल करता है। दोनों रेसिपीज़ कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेंगी। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी फरमाइश करनी हो कॉल करके पूछ सकते हैं। एनएक्स हमारे साथ, एनएक्स में है जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन वगैरह आप ले सकती हैं। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कहीं गया नहीं था, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, इस वजह से लाइव नहीं जा सके थे। अच्छा अच्छा, अम्मी कह रही आज तो फैसल भाई फैसल चटनी बनाएंगे, देखो देखो महंगे अम्मी, देखा भाई प्रोग्राम आ रहा है। नहीं, आज बना रहा हूँ मैं वही चटनी, नौरतन चटनी जिसको कहते हैं, जो ड्राई फ्रूट खजूर के साथ। तो आप नोट कीजिएगा, पहले तो मैं कोफ्ते बनाऊंगा, उसके बाद हम बनाएंगे चटनी, ठीक है? अच्छा चले, आपकी बहुत मेहरबानी, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, अब हम बना रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए आपने बीफ ले लेना है, या मटन ले लें, या चिकन ले लें, जो भी आपने कीमा लेना है, आप आधा किलो कीमा लेंगी, ठीक है। चिकन खणो, मटन खणो, या वॾे जो गेहूं जो गोश्त, ठीक आहे, जेको भी तव्हांखे सुठो लॻे, जेको कीमो तव्हांखे वणे, जंहिंजा कोफ्ता ठाहिणु चाहियो, अधु किलो खणणो आहे। चर्बी न हुजे कोफ्ते में, चीचड़ा न हुजनि, साफ़ उनजी गोश्त हुजणु खपे, बूटियूं साफ़ हुजणु खपनि, ठीक आहे। उन खां पहिरीं असांजे अंदरि हिकिड़ो मसालो हलाईंदासीं। अच्छा, हीअ मां हीअ चॉपर आहे, अगरि चॉपर में नथा करे सघो त उखरी मोरी में बि तव्हां कुटे सघो था हीअ सभु शयूं, ठीक आहे। उखरी मोरी में कुटे या सिल बटे जे मथां बि करे सघो था, अगरि आपके पास हीअ चॉपर नहीं है, ठीक है। मैं एनएक्स का चॉपर यूज़ कर रहा हूँ, आपको हमेशा कहता हूँ ना, ये लें, ये चीज़ें काम आती हैं। तो ये अगर नहीं है तो आप इमाम दस्ते में कूट सकती हैं, ठीक है। आप सिलबट्टे पे भी पीस सकती हैं, या कद्दूकश करके भी आप डाल सकती हैं प्याज को नचोड़ के अच्छी तरह। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज जाएगा सबसे पहले, एक बसर विझंदासीं, 2 अदद हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें 2 अदद बारीक वाली हैं, ठीक है, इसको थोड़ा काट के डाल देंगे, 2 अदद हरी मिर्चें डाल दी। उसके बाद अदरक 1 इंच का टुकड़ा चॉप किया हुआ, और लहसुन के 6 जवे, और उसके साथ 1/2 कप जितना हरा धनिया, पत्तियाँ हटा के हरा धनिया, ठीक है, 6 जवे लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1/2 कप हरा धनिया, और 1 छोटा प्याज कटिंग किया हुआ, 2 अदद हरी मिर्चें। छाछा में विधो आहे अदरक 1 इंच जो टुकड़ो बारीक कटिंग करे, अदरक थूम जो पेस्ट भी विझी सघो था, तव्हांजी मर्ज़ी आहे। थूम विधी आहे,
छह गणियों उनसा गुद सावा मिर्च ब एक गंढ बसर जी उनके अलावा मैं इनमें विधो अद कप सावा धाना पत्तियों अच्छी तरह इसलिए चला रहा हूँ ताकि प्याज बिल्कुल बारीक हो जाए ताकि हमारे कोफ्ते टूटे ना। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हरा मसाला पीस लिया। अब हम इसमें डालेंगे कीमा, हाथ का कुटा हुआ। आप इसको मशीन में चिकन ले लें, बीफ ले लें, मटन ले लें, जो आपको समझ आए। ठीक है, चिकन खणी वठो, बीफ खणी वठो या मटन कीमो खणी वठो। अध किलो हुजण खपे। छह कोफ्ता ठहंदा, चंगा वॾा ठहंदा। ही थोड़ा वॾा साइज़ जा ठहंदा आहिनि, छाकाणि त हिनजे अंदरि अंडो बि वेंदो हिकिड़ो बॉयल। अब इसको एक दफ़ा अच्छी तरह चलाएंगे ताकि कीमा बारीक हो जाए। एक दफ़ा हाथ रोक के मिक्स करेंगे। ठीक है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। आवाज़ आ रही है? जी जी। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सदफ बात कर रही हूँ। कुछ कहना चाहेंगी? जी मेरी एक है, आप चिकन ड्रमस्टिक बनाना सिखवाएं। चिकन ड्रमस्टिक? ठीक है, मैं बनाना सिखा दूंगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा एक से दो हफ्ते। ठीक है जी जी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको मैं अच्छी तरह चलाऊंगा ताकि कीमा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। हाँ तुम ऐसा कीमो सफा सॉफ्ट थी वह ऐसो मलाई वगर। ठीक है, पानी न विजे कीमे में। अगर पानी हों तो उनके छानी में रखा कर। ठीक है, धोईद भी तदे भी छानी में रखा कर। कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई फॉर्म में होना चाहिए, या तो फिर छन्नी में रख दें काफ़ी देर तक ताकि इसका पानी निकल जाए अच्छी तरह। अब ये सारा मसाला हमने डाल देना है एक बॉल में। मैं मशीन हटा देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर और भी पिसे हुए मसाले मिक्स करने हैं। ठीक है, पहले ये सारा मसाला उतार देते हैं इसके अंदर। मैंने चिकन में बना रहा हूँ, आप बीफ में बनाना चाहती हैं, मटन में बनाना चाहती हैं, फ़िश में भी बना सकती हैं। ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। ये अच्छी तरह निकाल लिया, सजो कीमो कटंदासीं। सजो कीमो कढण खां पोइ अधु किलो हुजणु खपे। ठीक आहे, छह अंडा। अगरि घटि माण्हू आहिनि, टे अंडनि में ठाहियो पिया त हिकु पाउ कीमे में बि ठही वेंदो। पोइ बसर वग़ैरह जी क्वांटिटी घटि करे छॾिजो। अगरि दो बंदे खाने वाले हैं, घर में ज़्यादा लोग नहीं है, तो फिर आपने तीन अंडे को बनाना है या चार अंडों को बनाना है, तो फिर कीमा जो है एक से डेढ़ पाव कर दें। जो हरा मसाला वगैरह सब डाला है उसकी हाफ क्वान्टिटी कर दें। अब ये सब डालने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसे हुए मसाले। धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। ठीक है, धनिया पाउडर एक चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय कुटी लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। मसाला छा वेंदा आहिनि में पीठल, धाणा पीठल एक चाय जो चमचो, ॻाढ़ा मिर्च पीठल हिकु चांहि जो चमचो, हैड अधु चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अधु चांहि जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हिकु चांहि जो चमचो, लूणु अधु चांहि जो चमचो। हे सभु मसाला हिन में वेंदा। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम। फैसल भाई बात कर रहे हैं? फैसल बात कर रहा हूँ। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मिसेस शफीक बात कर रही हूँ नवाबशाह से। कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कुछ कहना चाहेंगी? मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। बिल्कुल कीजिए जी। बच्चों के लिए आप कोई लंच बनाना सिखाएं, जिस जो बच्चे जो है ना खा ले आराम से। आजकल बच्चे बड़े जिद्दी हो रहे हैं। बच्चों को देखें, बच्चों को आप लोग खुद जिद्दी बनाते हैं। ठीक है, बच्चों को हर चीज़ खिलाया करें। मेरी बेटी 5 साल की है, बेटा मेरा माशाल्लाह 13-14 साल का है, हर चीज़ खाते हैं। मेरी बच्ची जो 5 साल की ना वो करेले तक खाती है। आप लोग खुद अपने बच्चों को अपने हाथों से करते हैं बच्चों को। मेरा जो बेटा है वो कुछ खाता नहीं है, इसकी वजह से वो बहुत वीक है, तो आप कुछ ऐसा बताएं जो आप, वो खाने लगे। आप उनको ताकत की दवाएं दें। ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ,
तो आप डॉक्टर को दिखाएं, बच्चे जब भूख नहीं लगती तो भूख बढ़ाने के लिए भी दवाएं होती हैं, ठीक है। सीरप आते हैं, बच्चों को पिलाएं, मैं भी पिलाता हूं बेटी को, कभी कभी छोड़ देती लेकिन उससे भूख लगती, बच्चे खुद ब खुद मांगना शुरू करेंगे। और हर चीज़ पे बच्चों को हिलाएं, ये जंक फूड वगैरह जो हम बाहर के खिलाते हैं ना इनसे, और ये फ्राइज़ वगैरह, इनसे बेहतर है आप घर के खाने खिलाएं, खिचड़ी खिलाएं, इस तरह की चीज़ें बच्चों को ज़रूरत है, ताकत चाहिए, क्योंकि ये जो हम बाहर की चीज़ें खिलाते हैं ना इसमें ताकत नहीं होती है। नहीं बच्चे वैसे तो बाहर की तो कोई चीज़ नहीं खाते, लेकिन घर में मैं बना के देती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं आप बता दें क्या चीज़ चाहिए आपको, मैं बनाना सिखा दूंगा दो तीन किस्म की ना। आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? हाँ जी ले लें, मुझे व्हाट्सएप पे बस मैसेज कीजिएगा, मैं कॉल अटेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं आपको वहाँ पे सीरप का भी बता दूंगा, पिलाइएगा, सेहत भी अच्छी होगी, वजन भी बढ़ेगा और भूख भी बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। ठीक है मैं नंबर अभी बताऊँगा, आप नोट कर लीजिएगा व्हाट्सअप का। ओके जी। अब देखें ये मसाले सारे मिला दिए, अब इसको बाइंडिंग करने के लिए कोफ्तों को हम डालते हैं चनों का पाउडर। भुने हुए चने मिलते हैं वो आपने ले लेने हाफ कप उसका पाउडर, या भुने हुए चने छिलके के बगैर भी मिलते हैं कोफ्तों के लिए, और अगर नहीं तो छिलकों वाले लेके छील के आपने इसको ग्राइंड करके पाउडर बनाना है, तो ये हाफ कप इसमें जाएगा, ठीक है। भुगड़न जो पाउडर, भुगड़ा छिलियल भी मिलन था, आई बगैर छिलियल भी मिलन था, ठीक है, छिलकन वारा भी मिलन था। भुगड़ा जेका हुंदा है ना वो वठन दो, उन जो पाउडर ठाई विझन दो, सॉरी उनका छा थींदो, तव्हांजा कोफ्ता जेके आहिनि कॾहिं बि टुटंदा न, भली तव्हां हे कोफ्ता नरगिसी कोफ्ता ठाहींदो या गोल कोफ्ता नॉर्मल ठाहींदो, भुगड़नि जे पाउडर सां न हिन में बेसण विझंदा कयो, न हिन में अंडो विझंदा कयो, ठीकु आहे। हिन खां बहितरीन शइ काई बि कोन्हे कोफ्तनि खे बाइंडिंग करण लाइ ठाहिण लाइ, भुगड़नि जो पाउडर। हाणे मां थोरो विधो पहिरीं, टे खाइण जा चमचा, तक़रीबन ही छह खां अठ खाइण जा चमचा आहे, छह खाइण जा चमचा हिन में वेंदो। 8 टेबल स्पून चनो का पाउडर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छी तरह आपने चनों का पाउडर डालना है, 6 से 8 खाने के चम्मच, वो आपके डिपेंड करता है गोश्त के ऊपर, अगर इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा जाएगा, हो सकता है 4 टेबल स्पून भी आपको काफ़ी हो जाए, ठीक है। लेकिन हाफ कप आपने इसमें रखना है। अभी देखें अच्छी तरह मसल मसल के आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है। चंगी तरह हिन तरीक़े सां मसलंदो, जीअं अटो गोहींदा आहियूं न हुन तरीक़े सां तव्हांखे मिक्स कंदो, ताकि सॼो कीमो जेको जो पाणी आहे जीअं अंदरि जेका नमी आहे उहो ख़तमु थी वञे। हाणे हीअ जीअं हिकिड़ो पीस अचे पियो न भुगड़े जो सख़्तु आहे, इहो कढी वठिजो। चने का जो एक पीस कोई ऐसा आ जाता है ना थोड़ा पीस इसके अंदर, तो वो आपने निकाल देना। अब इससे क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी, कोफ्ते आपके बहुत अच्छे बनेंगे। ये हमारा हो गया मिक्सचर तैयार। अब क्या करते हैं, हम लेते हैं थोड़ा पानी, हाथ गीला कर करके आपने कोफ्ते बनाने, और नरगिसी कोफ्ते कैसे बनेंगे। अच्छा इसको हम थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, ऑयल मेरे पास है यहाँ पे, 1.5 कप आपने ऑयल लेना है। पहले हम इसको फ्राई करके निकालेंगे, क्योंकि नरगिसी कोफ्ते हैं, दूसरे कोफ्ते तो हम सालन में डायरेक्ट डालते हैं ना, लेकिन नरगिसी कोफ्तों को हमेशा फ्राई किया जाता है। ऑयल यहाँ पे 2 कप गर्म हो रहा है, हाथ गीला करूँगा, हथालो कहो अच्छी तरह, या ऑयल से कर लें या पानी से, ठीक है। इस तरह गीला किया, ये आपने मिक्सचर उठाया जितना आपके हाथ में एक बॉल बन रहा है, ठीक है। ज़्यादा उठाना है, तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना, 5 टेबल स्पून आपको अंडे का पता हो, अंडे बाजार बड़े भी मिल रहे होते हैं, छोटे भी मिल रहे होते हैं। अब ये आपने मिक्सचर उठाया, इसको हाथ पे फैला दिया इस तरह, चपली कबाब की तरह मिक्सचर खयो, इनके हथ से फैलाई छोड़ो, ठीक है। हथ से फैलाने का पोहे एकड़ो बेदो खयो, ये एक अंडा उठाया, अंडे को बीच में रखा, और ये दोनों हाथों की मदद से आपने इसको कवर करना है, आराम आराम से, आराम आराम से सेट करना है। ये देखें इस तरह आपने इसको कवर करना है, और इसी इसको अंडे का ही शेप देना है, ठीक है। हाथ गीला करती जाएं, ऑयल से कर लें, ये अंडे का शेप देना, जैसे अंडे का शेप होता है ना उस तरह का ओवल शेप में आपने बनाना है। गोल बनाएंगी, अंडे का शेप ओवल होता है तो अंडा बाहर आ जाएगा, साइड से टूट भी जाता है कीमा। इस तरह जहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं उसको अच्छी तरह आपने इस तरह थप थप थपा दें, ये देखें क्रैक्स ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इनमें जेके क्रैक्स अचन पिया ना, जितना लगे तो तव्हांखे खुली वेंदो। हथ सां हिन तरीक़े सां आलू हथ कयो, हीअं लॻायो, हे ॾिसो बिल्कुलु स्मूथ ज़बरदस्त क़िस्म जो नरगिसी कोफ्तो ही तयारु थियो। हिनखे असां ऑयल में फ्राई कंदासीं, गोल्डन कलर अची वेंदो, कढ़ी वठंदासीं, पोइ जी भाॼी ठाहींदासीं, तमामु बहितरीन क़िस्म जी ग्रेवी ठहंदी। ग्रेवी में पोइ हिनखे विझी असां दम ते लॻाईंदासीं। अब इसको आपने फ्राई करना है। पहले हम सारे कोफ्ते इस तरह बना लेते हैं, जहाँ पे क्रैक्स लगे पानी लगा के। ये देखें परफेक्ट हमारा कोफ्ता तैयार हो गया, और ये मैं बना बना के एक प्लेट में रखता जा रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे फ्राई इस तरह। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मां बिल्कुल ठीक ठाक, कह रहे हैं कि तां गलायो पिया? शिकारपुर का, शहदादपुर का जी। कुछ चाहिए अदी?
मेहरबानी तमाम घणी फरमाइश है तां जी बस अदी कोशिश हुंदी आ कि इन तरीके से समझाया कि तां बिल्कुल ईजी वे में सीखी सको ना को फरमाइश करनी है ताकि कुछ पूछनो आदि जी मैडम फिर काल पैसा चिकन कोरमो कोरमो शॉर्मा ठीक आदि शॉर्मा जी पहली भी फरमाइश आई हुई मथे हफ्ते पर इंशाल्लाह ठाईदम तो ठीक है ठीक है तहाई कई भी बस ठीक है नेक्स्ट वीक तुम दिसो मैं जुमेरात वे ढी ठाईदम ठीक है खमीस वे ढी ठीक है दी ओके जी अब देखें ये अच्छी तरह आपने बनाने ओवल शेप में ये बड़े बनते हैं ठीक है फिर इसको काट के सर्व किया जाता है एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं ऑयल यहाँ पे हमारा हो रहा है फ्राई और गरम कोफ्ते में बना रहा हूँ फिर कोफ्तों को हम हल्के मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे गोल्डन कलर आएगा इसको निकालते जाएंगे शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं ब्रेक के बाद आकर रेसिपी कंटिन्यू वेलकम बैक नाज़रीन ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके नरगिस जी कोफ्ता ठहनि पिया हिनखे कयूं पिया फ्राई ठीक है इसको फ्राई करें ऑयल आप ले लें एक दो कप कोई मसला नहीं है ऑयल में कोई फ्लेवर नहीं है उस ऑयल को आप दोबारा ठंडा करके रख दें क्योंकि सालन में हम दोबारा यूज़ करते हैं तो ये निकलेगा भी नहीं और कोफ्ते बहुत अच्छे बनेंगे बीफ में भी बनाएंगी मटन में बनाएं या चिकन में बनाएं सेम प्रोसेस है सेम तरीके से बनेगा ठीक है बड़े ज़बरदस्त बनते हैं नरगिसी कोफ्ते तो छः आधा किलो से छः बनेंगे आपके ठीक है और अगर आप कम बनाना चाह रही हैं क्योंकि ये बड़े साइज़ के इसको काट के सर्व करते हैं साबित भी रखते हैं और काट के भी सर्व करते हैं ठीक है और लेयर बहुत ज़्यादा मोटी नहीं आनी चाहिए ऊपर अंडे के पतली लेयर होनी चाहिए ताकि कीमा अंदर से कच्चा भी ना रहे और परफेक्ट आपके ये कीमे की रेसिपी तैयार हो तो ये अच्छी तरह हाथ गीला कर रहा हूँ इस तरह हाथ गीला करने से क्या होगा जहाँ पे क्रैक्स हैं वो सेट हो जाएंगे ठीक है नरगिसी कोफ्तन जा जिके क्रैक्स हैं वो सेट थी वींदा देखें परफेक्ट हो गए ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं जब तक मैं सारी चीज़ें हटाता हूँ इसको फ्राई करके निकालते हैं फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे नरगिसी कोफ्ते दो तरीके से बनते हैं एक ड्राई फॉर्म में भी होते हैं जैसे आपके घर में कोई दावत है तो आप इस तरह ड्राई भी बना के रख सकते हैं सिर्फ साथ चटनी वगैरह रख लें ठीक है ये भी ऑप्शन है आपके लिए और आप चाहें तो इसका सालन भी बना सकती हैं दोनों तरीके से इसकी सर्विंग होती है लाइट सी गाढ़ी ग्रेवी भी होती है नॉर्मल जैसे कोफ्तों की ग्रेवी होती है उस तरह भी बना सकती हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ऑप्शन बहुत सारे होते हैं इसके जैसे आपको अच्छा लगे नरगिसी कोफ्ता था ये डायरेक्ट भी खाई सको था अगर भाजी में न था विझो तो को गेस्ट अचन पाया घर में को दावत आ मेहमान अचन पाया तांके को डिफरेंट शे ठाणी आ इन तरीके से नरगिसी कोफ्ता ठाई चंगी तरह जड़ी फ्राई थी वन कढ़ी पो इनके ता सर्व करे सको ता मेहमानन जेला चटनी से अगर चटनियों तांके काफी सारी ठाण सिखारे हैं यूट्यूब ते असा चैनल ठेला हुनते भी ता दिस सको ता कुकिंग विद फसल ठीक है आराम से डालिएगा ऑयल में ताकि आपके हाथ पे ऑयल भी ना लगे और जब इसको ऑयल में डालेंगी तो एक दफ़ा आपने इसको सेट करना है ठीक है ताकि इसके क्रक्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए अभी जैसे फ्राई होते जाएंगे इनको निकालते जाएंगे साथ ही मैं इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करता हूँ ताकि जल्दी हमारी रेसिपी कंप्लीट हो ये यहाँ पे सेट करते हैं इन पास से फ्राई पे थे कोफ्ता साझा गड गड इनके पलटाइंदा भी बनजो ताकि चारों तरफा जो है एक जड़ो कलर अच्छे चारों तरफ से एक जैसा कलर है बहुत तेज़ आँच पर नहीं करना है कि कीमा अंदर से कच्चा रह जाए और आपके कोफ्ते ऊपर से तैयार हो जाए ठीक है मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने प्रोसेस करना है हल्की बाहे ते हल्की का थोड़ी मथे बाहे रख जो ताकि कोफ्ता ताजा अंदरा कच्चा भी ना रहन आई मथा एकदम डार्क कलर भी ना अचे ठीक है मुझी बाहे घट वो क्या ताकि चंगी तरह ही पचन अब इसका इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी ग्रेवी बनाने के लिए आपने पतीला लेना है इसमें डालना है कुकिंग ऑयल ठीक है हाफ कप जैसे हम नॉर्मली लेते हैं ठीक है तो हाफ कप यहाँ पे लेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप कुकिंग ऑयल खाओ ऑयल जैसे यहाँ गर्म होगा चूल्हा तेज़ करते हैं तेज़ पत्ते दो से तीन मीडियम साइज़ के छोटे हैं तो तीन बड़े हैं तो दो ठीक है तेज़ पत्ते मैंने डाल दिए तेज़ पत्ते डालने के बाद हल्की सी इसमें खुशबू आएगी तेज़ पत्तों की उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट इसमें प्याज का पेस्ट डलता अगर पेस्ट नहीं बना सकती हैं मशीन नहीं है फिर कद्दूकश करें प्याज दो ले लें कद्दूकश करें और वो डाल दें वो घुल जाता है जल्दी ठीक है ब्राउन प्याज भी यूज़ कर सकती हैं ब्राउन प्याज को चूरा करके भी डाल सकती हैं लेकिन वो कोरमे का टेक्सचर आएगा फिर वो दानेदार सा बनेगा मज़ा नहीं आएगा इससे बेहतर है कच्चे प्याज का करें ठीक है तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगी कड़ी पत्ता हल्का सा इसमें कड़कड़ाने लगा कड़ी पत्ता विदा
सॉरी कड़ी पत्ता ना, तेज पत्ता विधा तेज पत्ते सॉरी तेज पत्तन जी थोड़ी खुशबू इंदी जी इनमें दाग ठंडो हिते ऐसा विजना सी बसर जो पेस्ट बसर अगर ताहा वट मशीन ना है ठीक है तो पेस्ट करने का बेहतर है पतान जो कद्दूकश करी वटो ठीक है। अब इसको मैं भूनूंगा 2 से 3 मिनट तक। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट कलर में रखना है। कोफ्तों को साथ साथ फ्राई करते जा रहे हैं। अच्छा सा इसका कलर आना चाहिए चारों तरफ से, जैसे कोफ्तों का कलर आता है। अंडा बॉयल है अंदर ठीक है, और बहुत इजी रेसिपी है। कल भी ज़बरदस्त रेसिपी बन रही, कल की रेसिपी का बता देता हूँ। करेले, भरे हुए करेले हम बनाएंगे ठीक है, भरे हुए करेले बनाएंगे कल, वो देखिएगा फुल साबित जैसे करेले होते हैं भरे हुए, वो बनाएंगे। साथ ही केरी की एक रेसिपी, डेली एक केरी की रेसिपी साथ साथ बनाता रहूँगा ताकि केरी की रेसिपीज आप लोग इन्जॉय करें। नेक्स्ट वीक फिर अचार बनाना शुरू करेंगे, बहुत सारे डिफरेंट किस्म के अचार हैं ठीक है। अब देखें प्याज यहाँ पर हमारा पानी छोड़ेगा, प्याज का कलर जैसे यहाँ पर लाइट गोल्डन सा होने लगेगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, अदरक थूम जो पेस्ट विझंदासीं 2 खाणी जा चमचा, बसर जडे तां ॾिसंदो हल्को हिते गुलाबी थियण शुरू थी वियो ठीक है। गॾु गॾु नरगिस की कोफ्ता जेका असां ठाहिनि पिया उहे फ्राई थियनि पिया ठीक आहे। ऐं अगरि डायरेक्ट कोफ्ता ठाहींदो हिन तरीक़े सां चिकन जा या बीफ या मटन जा साॻे तरीक़े सां ठहंदा, पोइ तव्हांखे छा करिणो आहे सिर्फ़ु कोफ्तनि खे ठाहे ग्रेवी में विझणो आहे ठीक आहे। जॾहिं पाणी मसालो भुञे सभु कुझु करे पाणी विझी उन में असां कोफ्ता विझंदा आहियूं, लेकिन हिते तव्हां कोफ्ता नरगिस ई आहिनि त हीअ असां फ्राई कंदासीं। अच्छी तरह इसको घुमाते जाइनि चारों तरफ से, कोफ्तो का कलर बहुत अच्छा है और अंदर से कच्चे ना रहे। और ये एबटाबाद से भी फरमाइश थी अकीला की, उनकी भी फरमाइश थी, काफ़ी दिनों से वो कह रही थी रमज़ान से कि नरगिसी कोफ्ते बनाएं, तो वो देख रही हैं तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ठीक है। अब प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं इसमें डालूंगा अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला साबित इसमें कुछ भी नहीं जाएगा ठीक है। 1 और 2 खाणी जा चमचा अदरक थूम जो पेस्ट विंदो कुटे अदरक थूम इंजे 2 टेबल स्पून इंजे अंदर विझंदासीं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, अभी भी प्याज थोड़ा और पकेगा अदरक लहसुन के साथ ठीक है, 2 मिनट और पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट ठीक है। सारी चीज़ें पेस्ट की शक्ल में जाएंगी, साबित नहीं जाएंगी, कटी हुई नहीं जाएंगी, पेस्ट की शक्ल में जाएंगी। नरगिसी कोफ्ते हमारे हो गए, कलर आ गया, तो जो जो होते जा रहे हैं वो मैं निकालता जा रहा हूँ। चिकन का है तो इसका थोड़ा वाइट शेड आ रहा होगा ठीक है, और अगर आप बीफ मटन के बनाएंगे तो उसका थोड़ा शेड में फ़र्क आएगा। जो लास्ट में 2 डाले थे ये भी हमारे होने वाले हैं, ये हो गया एक और, इसको भी निकाल देते हैं। चूल्हो बंद कयूं था इनजो, ऐं असांजा नरगिसी कोफ्ता तयार। ये देखिए 6 बने ठीक है, 6 का मतलब है ये 12 हो जाएंगे पीसेस, काट के डालेंगे ठीक है, कुछ काट के डालें कुछ साबित डालें। अदरक थूम जो पेस्ट इतने फ्राई थी, खुशबू अचन शुरू थी भैया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, प्याज का कलर यही रहना चाहिए लाइट सा गोल्डन। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट, 2 बड़े टमाटर 1 कप जितना होना चाहिए, थोड़े से पानी के साथ आपने कर देना। और अगर टमाटर का पेस्ट नहीं बना सकती तो टमाटर का छिलका हटा के आपने बारीक बारीक कटिंग करना है, तो वो जब भुनेंगी ना तो पेस्ट बन जाएगा ठीक है। अगर टमाटर जो पेस्ट तव्हां नथा ठाही सघो, मशीन ना है, तो पोइ टमाटर जा छिलका हटाए छॾियो, वॾा वॾा टमाटा खणिजो या ट्रेन दरमियानी साइज़ जा, त पोइ टमाटनि जो छिलको हटाइण जे बाद तव्हां टमाटनि खे हिते विझी फ्राई कंदव न त उहो पेस्ट ठही वेंदो। चूल्हा तेज़ करते हैं ताकि टमाटर का जो कलर है पानी है वो ड्राई हो जाए, टमाटर का कलर निकल गया है। ये हो गया हमारा ऑयल वाला प्रोसेस कंप्लीट, इसको हटा देते हैं। ऑयल को ठंडा करके आपने फिर छान के रख देना ठीक है। टमाटर को इतना भूनना है कि टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए, टमाटर के इतना भुनंदो कि टमाटर जो पानी जो है वो खुश्क थी वे, ये भूनते भूनते ऐसे चलना है। इसके बाद हम इसमें मसाले डालने वाले हैं, मसाले यहाँ पे क्या जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है सालन का, है तो डालें ना है तो इसके बगैर भी डल जाएगा बन जाएगा, 1 से 1.5 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, जीरा कुटावा 1 चाय का चम्मच,
पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर एक चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च या देगी लाल मिर्च डेढ़ से दो चाय के चम्मच, इससे कलर अच्छा आएगा, अगर नहीं है तो इसके बगैर बन जाएगा। धनिया पाउडर दो चाय के चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधा एक चाय का चम्मच और जीरा पाउडर एक चाय का चम्मच, पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, हेड एक चाय जो चमचो, कुटेल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो, जीरो कुटेल एक चाय जो चमचो, पीस पाउडर करे विझो जीरे के, लूण अधु चाय जो चमचो, धाणा पीठल बखा टे चाय जो चमचा, कश्मीरी गाढ़ा मिर्च या देगी गाढ़ा मिर्च का कलर सुठो इंदो आ मिली वेंदा आहिनि हर जगह, पेपरिका पाउडर के नाले से दबो भी मिले तो, अगर ये ना है तो इनके बगैर भी ठही वेंदो। ठीक है, ये सब मसाला भी छड़िया जी सर, खाली मसाले भूने। ओके ओके, ये देखें मसाले को अच्छी तरह भूनना है ताकि कलर निकल के आए। ठीक है, मसाला भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दही आधा कप, आधा कप दही को आपने फेंट लेना है। ठीक है, अध कप दही के चंगी तरह इतने फेंटे वठंदो, दही हमेशा सालन में फेंट के डाला करें। काफ़ी लोग कहते हैं कि दही डालने से सालन फट जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता, दही को क्रीमी टेक्सचर में डालेंगी तो दही कभी भी इसमें नहीं नज़र आएगा ऐसा कि फटावा होता है। ठीक है, तो हमेशा दही को फेंट के क्रीम की तरह देखें, बिल्कुल ऐसा मलाई की तरह करके डालेंगी तो कभी भी नहीं फटेगा। ठीक है, अक्सर अदियूं चाहिए कि दही विझंदा आहियूं भाॼी में फटी पवंदी आहे, दही फटंदी न आहे भाॼी फटंदी न आहे, हुन में छा हूंदो आहे दही खे तव्हां फेटे विझंदो। जॾहिं तव्हां ॾिसंदो हीउ सफ़ा मसालो भुंजी वियो आहे, मसाला बिल्कुलु भुन गया, ऑयल सेपरेट हो गया, अब दही इसमें डाल देंगे। ठीक है, आधा कप दही डाल दिया, दही डाल के दही को आपने 3-4 मिनट थोड़ा मीडियम फ्लेम पे भूनना है, दही का पानी यहीं पे खुश करना है। ठीक है, कवर नहीं करेंगे, दही का पानी हमने यहीं पे खुश करना है, इसको दही को भूनेंगे अच्छी तरह, दही की भुनाई करनी है 2 मिनट तक। अब यहाँ पे जो दही का प्याला है ना, इसमें हम पानी डालेंगे, जो हमें ग्रेवी के लिए पानी कितना चाहिए वो आपने डालना है, 3 कप 4 कप बस, इससे ज़्यादा नहीं, ट्रे खा 4 कप दही, प्याली बड़ी है तो 1.5 कप जितनी प्याली ठहर पड़ी। ठीक है, प्याली बड़ी है तो 1.5 कप जितनी प्याली बन रही है तो 3 से 4 कप इसमें हम डालेंगे। देखें अभी दही डालने के बाद मैं इसको भून रहा हूँ, दही का पानी खुश्क हो रहा है, ऑयल सेपरेट हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर बन रहा है। ये देखें इन तरीके जी ग्रेवी ठहन खपे। ठीक है, नरगिसी कोफ्ते की ग्रेवी इस तरह की होनी चाहिए, आप देख रहे हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, जब ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा ज़बरदस्त सी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसी प्याली में जिसमें आपने दही निकाली थी उसी प्याली में पानी डाला था तो ये 1.5 कप पानी चला गया, उसके बाद एक प्याली और यानी 1.5 कप 3 कप पानी डालूंगा, आप 4 कप तक जा सकती हैं। ठीक है, पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, पानी डालने के बाद इसको तेज़ आंच पे बॉयल होने देना है। ठीक है, तेज़ बाहे ते इनके बॉयल थे दिंदो ताकि चंगी तरह इनके अंदर ग्रेवी में बॉयलिंग अच्छे, अच्छी तरह ग्रेवी में बॉयलिंग आनी चाहिए, गाढ़ी ग्रेवी बनेगी, अच्छी बनेगी, बहुत पतली करने की ज़रूरत नहीं, जब इसमें बॉयलिंग आएगी तो ये नरगिसी कोफ्ते मैं इसमें डालूंगा और इसको फिर हम दम पे लगाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर डालेंगे बस। ठीक है, बहुत ईजी है नरगिसी कोफ्ते, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, दावतों में अक्सर बनती है, घर में बनाएं इसको, आप नान के साथ खाएं, चपाती के साथ, पराठों के साथ, बहुत ज़बरदस्त लगती है। और अगर आपको नरगिसी कोफ्ते इसी तरह खाने तो आप ऐसे ही डायरेक्ट काट के पीसेज में रखेंगे, अंदर से अंडा नज़र आ रहा होगा, खूबसूरत से लगते हैं बड़े, तो आप उस तरह भी रख सकती हैं। ठीक है, एक मैं आपको काट के भी दिखा देता हूँ, हिकड़ो माता कटे दिखा रहा हूँ, तो ये देखें ये है जी, कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये देखें एक मैंने काटा कितना खूबसूरत लगा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, मैं शहजादी बात कर रही हूँ शहजादपुर से। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ भाई। यहाँ चैनल फिर बंद हो गया। चैनल फिर बंद हो गया है, आप केबल ऑपरेटर से बात करें, वहाँ पे कोई इशू होगा? उन्हें कहते हैं बस वो सुनते ही नहीं है, खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं। उस दिन आपसे मैंने पूछा था ना मसाले का, जी जी मिर्चों वाला, जी जी, तो उस टाइम मैंने आपसे पूछा, जैसे ही टीवी की तरफ कोई चैनल ही बंद हो गया बस वो मसाले की रेसिपी अगर आप ऐसे फोन पे बता सकते हैं तो। फोन पे बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस, आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं वहाँ रेसिपी सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है भाई, मैं भरा मोबाइल यूज नहीं करती, नहीं तो मैं वहीं से आपको कह देती। अच्छा चलें ठीक है, फिर अब थोड़ा वेट करें, अभी मेरे पास असल में रेसिपी ज्यादा है ना, पूरी रिपीट कराना मुझे मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्या बना रहे हैं भाई वैसे आज? नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं और साथ नौरतन चटनी केरी की। माशाल्लाह, बस अब जब ऑन होगा चैनल तभी देखेंगे। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। ठीक है, ओके थैंक यू। हरी मिर्चें डाल दी मैंने जब इसमें बॉइलिंग आ गई, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच सावा धाणा विधा। ठीक है, अई सावा मिर्च विझी छड़िया इनके अंदर, 6 अदद साबित कट हणी ना विझो। गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर,
आखिर में डालना है। पहले मसालों के साथ गरम मसाला पाउडर नहीं डाला था, अब डाला है, ठीक है। अब जो एक देखे मैंने काट के दिखा दिया, नरगिसी कोफ्ता इस तरह होता है, ये आप इस तरह भी खा सकते हैं, मेहमानों के आगे इस तरह भी रखिए चटनी के साथ, सॉसेस के साथ। अब ये जो कोफ्ते हमने बनाए ना, ये इसके अंदर डालेंगे इस तरह, और जब आप सर्व करेंगी ना, उस वक्त आपने निकाल के इनको काट के प्लेट में रखना है, ठीक है। काट के इसमें डालेंगी तो क्या होगा, कोफ्ता अंडे को छोड़ देगा, अंडा अलग हो जाएगा, कोफ्ता अलग हो जाएगा, ठीक है, मसाला अलग हो जाएगा। गड रख जो, मतलब साबित रख जो, अई अगर तुम इनके अलग करे तो रखियो ना, कटे विधो तब अंडा बेदा जगह अलग थी वा मसालो खुली तो बेहतर है कि साबित इनमें विझी उनके तुम कदो। अब इसके ऊपर आपने ग्रेवी डालनी है इस तरह। कॉल आए, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, ता क्या हाल है, क्या ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। ता केरे की थंग लायो पया? हां मां यासी गेला ता शुक्रपुर को छाले ता ठीक हो। हां दा मां ता छो ने दी दान चार मसाले दी रोटी भी दी चाहिए हम ता ने बताई हुआ। अच्छा हां बिजली भी आए आ या सन लाइट के ता छाता ठा रुपए मां नरगिसी कोफ्ता ठाया पियो जे जे अंदर बेदो होंदो है ना बॉयल। हाँ जी जी। वो हाँ नौरतन चटनी ठाईंदम अंबड़ी जी खजूर जी ड्राई फ्रूट से। अच्छा अंबड़ी की चटनी ठाईंदा? जी जी अंबड़ी नरगिसी कोफ्ता जी मुके रेसिपी बताईंदो। मां हाने ब्रेक इंदो ना, ब्रेक का पहुंची वापस मैं पूरी रेसिपी रिपीट कराईंदम, ता नोट कंदा वन जो बाकी सुबह जो 9 बजे भी रिपीट कंदो है, ठीक है। हेलो ओके थैंक यू जी, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़ मेहरबानी, ठीक है। जो हाफ मैंने काटा था ना, ये मैंने अभी बाहर रखा है क्योंकि ये अगर मैं ग्रेवी में डालूंगा तो ये टूट जाएगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए दिखाया जी, इसलिए दिखाया है कि आप लोग इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्ट ब्रेक ते वनू था जेस ताईं असांजा कोफ्ता दमते 10 मिंट इनके दम ते रखंदासीं, ब्रेक खां पोइ असां सेकेंड रेसिपी ठाहींदासीं ऐं कोफ्तनि जी रेसिपी भी रिपीट कराईंदासीं। वठूं था हिकु शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते उनका पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका रेसिपी ठही पई नरगिसी कोफ्ता, हिनखे असां दम लॻाइणो हो 10 मिंटनि जो, ठीक है। 10 मिनट इसको दम पे लगा दिया और इसकी रेसिपी एक दफ़ा पूरी रिपीट करा रहा हूँ, उसके बाद साथ साथ हम दूसरी रेसिपी भी स्टार्ट करते हैं। ये कोफ्ते हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, इनके 5 मिंट अञा थी विया आहिनि दम ते, 5 मिंट वधीक रखंदासीं बसि काफ़ी आहे, ऐं पोइ नरगिसी कोफ्ते जी रेसिपी रिपीट करंदो। अगरि लाइट जो इशू थिए पियो सुबुह जो 9 बजे रिपीट हलंदो आहे त उनमें भी ॾिसी सघो था। कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते असांजो चैनल ठहियलु आहे, ठीकु आहे, उनखे सब्सक्राइब कयो, हुते तमामु रेसिपीज़ तव्हांखे मिली वेंदियूं। तमामु वीडियोज़ आहिनि, जेतिरे प्रोग्राम्स असां तक़रीबन मुंहिंजो में 800 खां मथे रेसिपीज़ हुते अपलोड थी चुको आहिनि, ठीकु आहे। वीडियोज़ उते तव्हां ॾिसी सघो था, आसानी जे लाइ तव्हां लाइ बहितरीनु चैनल ठहियलु आहे। हाणे हिते असां छा कंदासीं, नौरतन चटणी ठाहियूं पिया अंबड़ी जूं, त हे आहिनि 2 अंबड़ियूं, हुनखे तव्हां छिले ऐं हिन तरीक़े सां क्यूब्स में कटिंग करे छॾिजो। 2 नौरतन चटनी बन रही है जिसकी फरमाइश भी बहुत आ रही थी। इसके लिए हमने 2 बड़ी केरियाँ लेनी, सख्त कच्ची वाली केरियाँ, येलो कलर की ना हो, ठीक है। तो 2 केरियों को आपने छील के क्यूब्स बना के आपने इसमें डाल देना। अब इसी के साथ हम इसमें डालेंगे पानी, कितना, 1.5 कप जितना, ताकि केरी हमारी इसमें नरम हो जाए, ठीक है। अब इसको पकने देंगे केरियों को 5-6 मिनट तक, 5-6 मिनटन ताईं। अंबड़ियुनि खे पचण ॾींदासीं, तेज़ बाहि ते कवर करे इन्हे मां पचण ॾियां पियो। तेज़ आंच में मैंने कवर करके इसको छोड़ दिया ताकि केरी नरम हो जाए, 5 मिनट में नरम हो जाएगी। उसके बाद इसमें बाकी लवाजमत जाएंगे, वो सारा डिटेल में लिखते जाइएगा। नरगिसी कोफ्तन जी रेसिपी रिपीट कराया पर, नरगिसी कोफ्तन ला असां 6 अदद बेदा खणंदासीं, नंढा साइज़ जा हुजनि, इलाही वॾा न हुजनि, ठीकु आहे। उनखे बॉयल कंदो 10-15-20 मिंट बॉयल कंदो, बेदा सख़्तु बॉयल थी वञनि, छिले रखी छॾिजो। 0.5 किलो कीमो गहूं जो, मटन जो या बकरे जो या मुर्गी जो, जेको तव्हांखे सुठो लॻे, ठीकु आहे, उहो कीमो तव्हां खणंदो। चॉपर मशीन में भी करे सघो था, उखरी मोरे या सिलबट्टे में। चॉपर मशीन में मां छा कयो, हिकु नंढी ॻण बसर विधी, हिकु खाइण जो चमचो अदरक, हिकु खाइण जो चमचो थूम विधी, ठीकु आहे। साबित बि विझी सघो था, कुटियल बि विझी सघो था। 2 अदद सावा मिर्च विधा, थोरा सावा धाणा जी पतियूं विझिजो, डंडियूं हटाई 0.5 कप जेतिरियूं, ठीकु आहे। उहे विझी इनखे चङी तरह पीसे छॾिजो या उखरी मोरी में बारीक पीसे छॾिजो। उनजे बाद कीमो विधो, कीमो 0.5 किलो कीमो विझी चङी तरह हलायो, कीमो सफ़ा मुलायम थी वञे, सॉफ्ट थी वञे। उनजे बाद उनमें पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चांहि जो चमचो, हैड 0.5 चांहि जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 0.5 चांहि जो चमचो, गरम मसालो पाउडर 0.5 चांहि जो चमचो, 0 कुटियल 1 चांहि जो चमचो, लूणु 0.5 चांहि जो चमचो। सभु मसाला मिक्स कया चङी तरह कीमे जे अंदरि, ॿाहिरि कढी चॉपर खां चङी तरह मिक्स करण खां पोइ भुगड़नि जो पाउडर, भुगड़ा जेका खाईंदा आहियूं न, उनजो छिलका हटाई या छिलियल मिलनि त 0.5 कप जेतिरो उनजो पाउडर करे उहो पाउडर मिलाईंदो, चङी तरह मिक्स कंदो, हथ सां चङी तरह मिक्स कंदो ताकि भुगड़नि जो पाउडर जे अंदरि सख़्तु थी वञे, चङी तरह मिक्स थी वञे, नरम न रहंदो कीमो, सॉफ्ट न रहंदो, सुठी बाइंडिंग थी वेंदी। उनजे बाद तव्हां छा कंदो,
कोफ्तन के हथ के मथा छह पीस कर छो कीमे जहाँ छह हिस्सा कजो हिस्सों हथ आलो करी कोफ्ते के चपली कबाब वागर रखी उन विच में वेदो रखी हथ आलो करी बार बार पानी लगाई लगाई या ऑयल से भी चंगी तरह कवर कर छो अंडे के शेप में ठीक है। उनके बाद तुम जैसे सजा अंडा ही कोफ्ता तैयार थी उनके पो ब कप जितरो कुकिंग ऑयल खड़ी उनके फ्राई कर छो गोल्डन फ्राई थी वो कटी वो इन कलर में अची वा ठीक है। उनका पो साइड में रखी छो कॉल वूँ था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और फैसल की है वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक केरे की था गलायो पया अदा मामी तो खास वताहरा पे बना है मुता के अभी भी कॉल कई ही ताली रेसिपी माशाल्लाह से छुन दे माता से यखनी पुलाव की चाहिए ही आ तो हां जी मना तमाम सुठो प्रोग्राम होता है मुझे बार मान दा शौक से सुनदा है अलावा के वैसे तंदुरुस्ती सावधी जिंदगी आमीन जजाकल्ला तवा सा जी ये खिदमत कंदा रहो आमीन आमीन। अच्छा जेको यखनी पुलाव ताके मां कौन ठाए देनो हो ना अदा ठाए तो मां कोनो ता पूछो मुखा त यख मटन में या पीस में तो मु तमा के चयो मटन में खपे मुखे ठीक है मथे हफ्ते इंशाल्लाह मां ताके ठाए दिंदम ता जरूर रिजो ठीक है जुमे वाले दिन ठाई जाते। अच्छा अदा आज तमा ठायो पे जेका या सवत लाइट कोन हुई या तो मी पुखस न मंगाला या पई उन जे करे को हियर हाफ बिठी है या जेको तमा चटनी स्टार्ट कई है हुआ मां न किसी कोफ्ता न किसी सगी आ मां हाने रिपीट पे कराई मां रिपीट पे कराई ता वन्यो टीवी वट मां रिपीट कराए पे रेसिपी ता जी विच में कॉल अच हुई ता टीवी वट वनो मां नरगसी कोफ्तन जी रेसिपी रिपीट पे कराए ठीक है नोट कर जे जी 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 अल्लाह खैर कर दे सर आमीन आमीन पानी ख्याल रखो थैंक यू अल्लाह हाफिज़ ठीक है। ये देखें केरियाँ भी नरम हो रही हैं दो मिनट और इसको पकाएंगे होने के बाद कोफ्ता सा फ्राई करी कटी छड़िया अद कप ऑयल गरम कंदो ठीक है। उनमें टे तेज़पत्ता या ब तेज़पत्ता विझो जो गरम मसाले में पत्ता होंगे खुश्क वा थोड़ो जो दाग ठो बसर जो एक कप पेस्ट कर विझो बसर के चार पाँच मिनट पचाई बसर जो कलर जैसे गोल्डन अची वो ना कलर थी वो उनके बाद अदरक थूम जो पेस्ट विझो उनमें केतरो ब खाण जो चमचा उनके भी पचाई अदरक थूम जो कलर जैसे खुशबू अच्छा लगन थी टमाटा खणजो एक कप टमाटन जो पेस्ट टे का ब का टे वा टमाटा वा तो ब नंढा तो टे टमाटन जो पेस्ट अगर टमाटो पेस्ट ना ठाई सको तो छिलको हटाए जो बारीक पीस कर उनके एतो फ्राई कजो टमाटन जो कलर सफा निकरी अचे ऑयल मथे अची वे टमाटन जो पानी खुश्क थे उनके बाद तुम में छो पीठल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो हेड एक चाय जो चमचो लूण अध चाय जो चमचो ए कुटियल गाढ़ा मिर्च एक चाय जो चमचो गरम मसालो सॉरी धाणा पीठल टे चाय जहाँ चमचा अढ़ाई का टे चाय जहाँ चमचा ए जीरे जो पाउडर एक चाय जो चमचो मसाले के भुजन कश्मीरी गाढ़ा मिर्च या देगी गाढ़ा मिर्च चाहिए तो जरूर विझो ब चाय जहाँ चमचा उनका कलर सुठो हों भुजन का पो तुम अंदर विझो अध कप दही फेटे चंगी तरह विझो उनके चंगी तरह भुजण जेसि ऑयल मथे ना अचे कॉल वूँ था अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अदा की है ठीक है मां बिल्कुल ठीक ठाक दुआओं ता जो हां दा ता के एक फरमाइश सही रमजान में केड़ी बोरी फ्राइड चिकन बोरी फ्राइड चिकन हां ता कई भी लेकिन शायद मुझे हमें कौन ठाई सगया सी ना ना कौन ता ठाई है मेहरबानी करे खाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा क्या ठायो नरगिसी कोफ्ता मां ठाया है आई हाने मन के डिश आउट किया पियो हाने ता रिपीट भी मां कराया पियो तो नोट करे वजो ठीक है जी बात ठीक है। हेलो ठीक है अच्छा मत मथे हफ्ते इंशाल्लाह ठीक है दी ओके जी। अब इसमें से जो कोफ्ते हैं ना कुछ हम काट के भी रखेंगे आपने क्या करना है इस तरह स्पून में पकड़ के काटेंगी तो देखें दो पीस में आ जाएंगे ठीक है। अच्छा दही विधि दही का पो जड़े मसाले मसाला विधा मसाला भुने दही विधि दही का पो चंगी तरह मसाले के भुजणो ऑयल मथे अची वे टे का चार कप पानी विझ तेज़ आंच भाई ते बॉयल थियण दिजो उनमें सावा मिर्च साबित विझो चार कप पंज ठीक है सावा धाणा ब खणी जा चमचा विझो जड़े चंगी तरह बॉयलिंग थियण लगे हल्की बाहे दरमियानी कजो कोई कोफ्ता जेके फ्राई किया वही सजा उनके अंदर विझी 10 मिनट उनके दम ते लगाइंदो गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचो दम ते 10 मिनट लगाने का पोई दिसो जबरदस्त इनजी ग्रेवी तैयार थी वही है कोफ्तन के ता कटे सर्व कजो ठीक है कटे विझंदो तब पूरा थी वेंदा घर में 12 पीस ठही वेंदा ठीक है 12 पीस बन जाते हैं और कोफ्तों की रेसिपी मैं रिपीट कराता हूँ दोबारा। ये देखे मैंने काट दी हैं अब मैं इसकी ग्रेवी डाल दूँ उसके साथ साथ कोफ्तों की रेसिपी रिपीट करा रहा हूँ जब तक हमारी केरियाँ यहाँ तैयार हो रही हैं। नरगिसी कोफ्तों के लिए हमने लेना है एक अदद प्याज मीडियम साइज़ का दो अदद हरी मिर्चें एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ और छः जवे लहसुन के और हरा धनिया आपने कितना डालना है हाफ कप जितना पत्तियाँ हटा के उसको चॉपर में चला लेंगी बारीक हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है
उसमें कीमा डाल देना, बीफ ले लें, मटन ले लें या चिकन, जो कीमा आपको पसंद हो आपने वो डाल देना है, ठीक है। कीमा डालने के बाद आपने अच्छी तरह चलाना है ताकि कीमा मिक्स हो जाए। उसके बाद आपने बॉल में निकाल देना है। फिर आपने इसमें डालनी है पिसी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर इसमें दो चाय के चम्मच डालेंगे, और जीरे का पाउडर आप डाल देंगी एक चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच। अच्छी तरह हाथ से मिक्स करेंगे। फिर भुने हुए चनों का पाउडर जो हम कोफ्तों में डालते हैं वो हाफ कप ले लें, 6 से 8 खाने का चम्मच वो डाल के अच्छी तरह उसको बाइंडिंग के लिए आपने तैयार करना। फिर उसके आपने 6 हिस्से कर देने, 6 अदद अंडे बॉयल कर देंगी, पहले से छील के रख देंगी, 6 हिस्से करेंगी, फिर एक एक हिस्सा उठाएंगी चपली कबाब की तरह हाथ पे, और ऑयल या पानी लगा के अच्छी तरह उसको फैलाएंगी। उसके बाद अंडा रखा और हाथ से बंद करते हैं, ओवल शेप बना के हाथ गीला कर करके बार बार उसको सेट करें जहाँ से क्रैक्स आ रहे हैं वो ख़त्म करती जाएं। उसके बाद आपने 2 कप ऑयल गरम करके सारे कोफ्तों को फ्राई करके सर निकाल देना। उसके बाद आपने 1/2 कप कुकिंग ऑयल गरम किया, उसमें आपने 3 तेज़पत्ते डाले, 1 कप प्याज का पेस्ट डाला, प्याज का पेस्ट लाइट गोल्डन कलर में आ गया। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 2 खाने के चम्मच, खुशबू आने लगेगी। उसके बाद 2 से 3 टमाटर का पेस्ट 1 कप जितना डालेंगी, जो अगर टमाटर का पेस्ट नहीं है तो फिर आपने नहीं बना सकती, तो छिलका हटा के बारीक कटिंग करके खूब भूने, टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। फिर आपने पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 से 3 चाय के चम्मच, और कश्मीरी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, कलर के लिए डाला था। अच्छी तरह भूना, ऑयल ऊपर आ गया, 1/2 कप दही फेंट के अच्छी तरह डालनी है, दही को अच्छी तरह भूनेंगी। दही का जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर 3 से 4 कप आपने भर के पानी डाल देना है, 4 कप तक, ठीक है। तेज़ बॉयलिंग आने दें पानी में 5 मिनट तक। उसके बाद हरी मिर्चें 5-6 डाल दें साबित, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच डालें, 1/2 खाने के चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच डाला, मिक्स किया। उसके बाद जो अंडे ये जो नरगिसी कोफ्ते फ्राई किए थे सारे डाल दिए मीडियम फ्लेम पे, 10 मिनट दम पे लगा दिए। उसके बाद मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। काट के भी रख सकती हैं और साबित भी रख सकती हैं, ठीक है। और अगर आप नरगिसी कोफ्तों को इसी तरह सर्व करना चाहती हैं बग़ैर सालन के, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जब मेहमान वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सारी ग्रेवी आराम से एक फैमिली के लिए है, ठीक है। 7 से 8 अफराद 10 अफराद आराम से खा सकते हैं। नान के साथ, पराठों के साथ आप इसको सर्व करें। तो कुछ हम साबित रख रहे हैं और इसमें कुछ हम काट के रखेंगे, ठीक है। ग्रेवी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए जैसी मैंने बनाई है, बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं बनाना है, ठीक है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया, ये केरियाँ हमारी नरम हो गई, आगे का प्रोसेस करते हैं। और ये जो कटे हुए नरगिसी कोफ्ते हैं ना, ये इसमें डाल देंगे इस तरीके से। प्लेट में डाल रही हैं तो प्लेट में 1/2-1/2 करके आपने खुद ही कट करके इस तरह रखने हैं। कॉल बटन था। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन और कहां से बात कर रहे हैं? मैं आपसे बात करने को बोल रही हूं। आज 26 रमजान के बाद आज सिग्नल आए हैं हमारे, अभी। अच्छा अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अब्दाबाद का मौसम कैसा है? मौसम भी अच्छा है, बस अब थोड़ी सी गर्मी हो गई है, 2-3 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, कल से परसों से ज्यादा गर्मी है, बारिश नहीं हुई ना। अच्छा, बारिश नहीं हुई है। और ये आपकी तरफ नहीं आ रहा था सन टीवी? नहीं जी, नहीं आ रहा था ना, इतनी परेशानी थी, पता ही नहीं क्या क्या आपने बनाया है 26 रमजान को, बस थोड़ी सी। कौन से रमजान से नहीं आ रहा था? 26 रमजान से। अच्छा, 26 रमजान से नहीं आ रहा था। चलें, अच्छा हुआ अब आ गया। ये देखिए, अगर सुबह 9 बजे रिपीट भी चल रहा है, ठीक है, अब हमारा रिपीट तो देख ही नहीं सकते, लाइट ही नहीं होती तो। अच्छा, इस वक्त बस देख सकती हैं। आज तो मैंने नरगिसी कोफ्ते बनाए ना, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पता ही नहीं, अभी 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 आप डिश में डाल रहे हैं तो बस अभी काल आया। अच्छा, अब मैं चटनी बना रहा हूँ केरी की, मुत्तंजन चटनी ड्राई फ्रूट के साथ, ये नोट कर लें, ठीक है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, थैंक यू। शामी कबाब नहीं बनाया आपने? शामी कबाब मैंने नहीं बनाया, अब मैं बनाऊंगा, ठीक है। फिर मुझे बताना कब बनाओगे? मैं एक दिन पहले बता दूंगा, ठीक है ना। ओके जी, 2 अदद केरियां ली, उसको आपने क्यूब्स में कटिंग करके 1 कप पानी के साथ बॉयल कर दिया, नरम हो गई। 2 अदद अंबड़ियों कयूं क्यूब्स में कटिंग कयूं, वडियो अंबड़ियों जण खपन, ठीक है। तो उनके 1 कप पानी से कट बॉयल कर छोड़ो, जब ये बॉयल हो गई पानी इसमें थोड़ा सा रह गया, बाद में और डाल देंगे, जल्दी में थोड़ा मुझसे ड्राई हो गया, 1/2 कप रहना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी या पिसावा गुड़, 1 कप चीनी या पिसावा गुड़, ठीक है, 1 कप चीनी या पिसावा गुड़, 1 कप खंड या जो गुड़ जी मिठाई होती है या गुड़ विझ छो, कुटे बारीक करे गुड़ के विझणो, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डालूंगा क्योंकि पानी थोड़ा ड्राई हो गया, तो 1/2 कप पानी इसमें जाएगा, बस 1/2 कप पानी डाल दिया, केरियाँ नरम हो गई हैं, 1 कप चीनी डाल दी या गुड़ डाल देंगे, ठीक है। ये गौर से नोट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। इसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, खजूर, नरम वाली खजूर ले लें, 8 से 10 दाने नरम वाली खजूर, 8 से 10 दाने लेंगे, बीज हटा के 4-4 पीस कर लें, 8 से 10 नरम खजूर ले लें,
बीज हटा के चार चार पीस में कटिंग कर लें लंबाई में। कतल जेका हुंदी आहे न नरम वारी खजूर, 8-10 दाणा खणंदो, गुठली खकड़ी कढी ऐं चार चार पीस लंबाई में कटिंग करे छॾिजो, ठीकु आहे। हे विझण खां पोइ हिनखे मिक्स कंदो, हीअ नरम त हूंदी आहे, हिनखे वधीक पचाइण जी ज़रूरत न आहे, नरम होती इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। खजूर डालने के बाद ये मिक्स हो गई, इसमें हम डालेंगे बादाम 6-8 ले लें कटिंग किए हुए, 2 खाने के चम्मच। इसी तरह 2 खाने के चम्मच किशमिश डंडियाँ हटा के, और 4 मग़ज़ 2 खाने के चम्मच तरबूज के बीज होते हैं 4 मग़ज़, ठीक है, हर जगह मिल जाते हैं। हिंदाणे जा बीज हूंदा आहिनि 4 मग़ज़, हर जगह मिलंदा आहिनि। 2 खाइण जा चमचा किशमिश डंडियूं हटाई धोई चंगी तरह, 2 खाइण जा चमचा 2 खाइण जा चमचा बादाम, तीनों चीज़ें डाल दी, 4 मग़ज़ 2 खाने के चम्मच, बादाम 2 खाने के चम्मच मोटे मोटे काट के, और उसके साथ इसमें हमने डाल दी किशमिश, ठीक है, 2 खाने के चम्मच, तकरीबन 15 दाने होंगे किशमिश के, ये डाल दिया मीडियम फ्लेम पे, ये पकता रहेगा। अब हम इसमें क्या डाल देंगे, लहसुन के जवे बारीक वाले, अगर मोटे वाले तो काट के आपने डालने हैं लंबाई में, मेरे पास बारीक हैं तो मैं इस तरह साबित डाल रहा हूँ इसमें, ठीक है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। थूम जो गणियों इनमें 10-12 भी छजो, 10-12 लहसुन के जवे बारीक वाले, देसी, अगर चाइना वाली है तो आपने इसको कटिंग करनी है लंबाई में, जूलियन कटिंग करनी है, ठीक है, ये डाला। अब इसको इसी तरह पकाते रहेंगे सारी चीज़ें। अब हम इसमें डालेंगे सौंफ, मोटी वाली सौंफ, जैसे नॉर्मल सौंफ होती है ना हम खाते हैं, वो 1 चाय का चम्मच डालेंगे, साबित ही डालिएगा, कूट के नहीं डालना है। सौंफ साबित विंदा 1 चाय जो चमचों, कलौंजी, कलौंजी ज़रूर जाएगी इसमें, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, और कलौंजी इसमें जाएगी 1/2 चाय का चम्मच, 1/2 चाय जो चमचों कलौंजी, ठीक है, 1 चाय जो चमचों सौंफ, 1 चाय का चम्मच सौंफ, 1/2 चाय का चम्मच कलौंजी, सारी चीज़ें डिटेल में बताता जा रहा हूँ। अब इसमें खुद ब खुद गाढ़ापन आना शुरू हो जाएगा, चीनी का पानी ड्राई होगा, शीरा सा बनना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। अब इसमें डालनी है पिसी हुई लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच डालना है, बहुत भर के नहीं, नॉर्मल लेवल में, ठीक है। पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचों, आँच अब मैं हल्की कर रहा हूँ ताकि जले ना, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचों। अब हम इसमें डालेंगे काला नमक, नॉर्मल नमक नहीं जाएगा, काला नमक हर जगह मिल जाता है, ये भी आप डालेंगी 1 चाय का चम्मच, कारो लूण हर जगह मिली तो वने कारो लूण वेंदो 1 चाय जो चमचों, काला नमक 1 चाय का चम्मच, सौंठ अदरक का पाउडर, लहसुन हमने जवे डाले हैं, अदरक का पाउडर हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, 2 मिनट बधाए जो, 1 चाय का चम्मच अदरक का पाउडर, सौंठ अदरक का पाउडर, सुंड जेका असां विझंदा आहियूं ना अदरक जो पाउडर, वो विझंदासीं हिन जे अंदर 1 चाय जो चमचो, इनका ॾाढो ज़बरदस्त फ्लेवर ईंदो। थूम असां साबित विधी आहे, सुंड असां हिन में विधी आहे 1 चाय जो चमचो। हाणे वेंदो ज़रदे जो रंग, ऑरेंज फूड कलर, हे थोरो सो विझंदासीं 4/4 चाय जो चमचो, ऑरेंज फूड कलर जो होता है ना, इसको कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून इसमें ऑरेंज फूड कलर जाएगा, 1/4 चाय का चम्मच ज़रदे का रंग, ऑरेंज कलर जो हम ज़रदे में डालते हैं। इसको 3-4-5 मिनट आपने हल्की आंच पे पकाना ही, जब गाढ़ी हो जाएगी ज़बरदस्त ये चटनी तैयार हो जाएगी, इसको कहते हैं नौरतन चटनी केरी की, ठीक है, खजूर के साथ, और ये ज़बरदस्त बनती है, इसको आप काफ़ी दिनों तक रख सकती हैं, ठंडा करके आप किसी भी प्याले में भर के, जार में भर के इसको रखें, काफ़ी दिन ये चलेगी, ख़राब नहीं होगी। और अगर आपको जैसे डर है, गर्मी है, फ्रिज में नहीं रख सकते, फ्रिज नहीं चल रहा, कूलिंग कम है, या फ्रिज नहीं है, बहुत सी जगहों पे कोई इशू है, तो फिर आप टार्ट्रिक एसिड होता है ना, जो हमें जिसे कहते हैं वो क्या कहते हैं, टार्ट्री लेमन सॉल्ट जो होता है, वो आपने 1/4 चाय का चम्मच डालना है। उससे क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड जो होता है ना वो प्रिजर्व करता है चीज़ों को, ठीक है, तो आपने इसमें टार्ट्री डाल देनी है 1/4 चाय का चम्मच, अगर आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए रखना चाहती हैं, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्री पाउडर आपने डाल देना है 1/4 चाय का चम्मच, बिल्कुल 1/4 टीस्पून। हाँ ही 3-4 मिनट इनके पचाईंदासीं, जैसे इनमें लिव अची वी, घाटोपन इंदो, तक लगन थोड़ी लेस वगर ठहे पो, तो ही ज़बरदस्त तैयार थी, जैसे खंड जो पानी खुश्क, ठीक है, इसमें आपको लेस सी नज़र आएगी, जब ये तैयार होने लगेगी, चीनी का पानी ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे ठंडा करके बिल्कुल, और जिस जार में डालेंगे उसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। कल भी मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे, कल भरे हुए करेले बनेंगे, ज़रूर देखिएगा, भरे हुए करेले हम बनाएंगे प्याज और मसाले के साथ, केरी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है साबित करेले, ठीक है, और उसके साथ ही एक अच्छी सी और भी रेसिपी बनाएंगे केरी की, तो केरी की रेसिपीज़ मैं इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, बहुत सारी वैरायटी है केरियों की, तो वो देखते रहिएगा। इसको बिल्कुल जब इसमें आप देखेंगे गाढ़ापन आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। अभी इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए, ठीक है, इनमें बबल्स ठहण शुरू थी वन, ये तुझे सामू बिल्कुल तैयार थी भैया, इन तरीके से ठहंदी है, और जिनकी फरमाइश थी, अभी बच्ची की कॉल भी आई थी,
जिनकी दादी इंतज़ार कर रही थी इस चटनी का, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े। गुड़ में बनाना चाहती तो एक कप गुड़ डालेंगी, चीनी में बनाना चाहती तो इस तरह चीनी डालेंगी। इसमें बबल्स आएंगे, शीरा सा इसका थोड़ा गाढ़ा, बहुत गाढ़ा नहीं करना है कि बिल्कुल जम जाए, इस तरह आपने रखना है कि थोड़ी गाढ़ी सी हो। ठीक है, हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। कल सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा, सुबह 9 बजे रिपीट हलंदो। और कुकिंग विद फैसल है यूट्यूब पे हमारा चैनल है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाती है, तो वहाँ पे आप पूरी वीडियो देख सकती हैं। लाइट के इशू आ रहे हैं काफ़ी जगहों पे, सिन टीवी नहीं आ रहा था, अब आना शुरू हो गया, तो आप रिपीट में देख लें। और बाकी हम लाइव होते हैं 4 से 5 तीन दिन, बुध जुमेरात जुम्मा हम 3 दिन लाइव होते हैं, 4 से 5 और सुबह 9 बजे रिपीट चलता है। ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है और इसको हम निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, और ये रखने से भी गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, रखण सा भी ही घाटी थी विंदी, वधीक इनके पतरो भी ना करणो, वधीक इनके घाटो भी ना रखणो। ठीक है, पानी रखण सा थोड़ी घाटी थी विंदी। ज़बरदस्त असांजी ही रेसिपी तैयार थी वही है नौरतन चटनी। ठीक है, नौरतन चटनी हमारी तैयार हो गई है केरी की, और ये दोनों रेसिपीज कल सुबह देखिएगा रिपीट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, कल की रेसिपी मिस नहीं कीजिएगा, करेलों की ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सुबह रिपीट हलंदो 9 बजे। ठीक है, कुकिंग विद फैसल यूट्यूब ते चैनल होते रेसिपी अपलोड थी, मेरा नंबर नोट कर लें, व्हाट्सअप नंबर है 0314-267-5311, मुझे मैसेज कर सकती हैं, वॉइस मैसेज कर सकती हैं, कुछ भी पूछना हो 0314-267-5311। ठीक है, 0314-267-5311। अपना बहुत सा ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह सुबह मुलाकात थी, तेज तीन दुआ में रखें, अल्लाह हाफिज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो दिसो HD क्वालिटी में विजिट करियो असांजो YouTube चैनल सिन टीवी HD कुकिंग शो।